वजह है। हाँ, बहुत ही अच्छा। नमस्कार। अरे नमस्कार। आओ पार्वती। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। सुरेश राव, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बैठिए बैठिए। और अप्पा, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भाभी जी। शंकर राव, आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। लो कर लो बात। आपका घर और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बहू, मेहमानों के लिए मिठाई लाओ। नमस्ते चाचा। कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ। नमस्ते चाची। नमस्ते। लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। शंकर वो तो मैं लूंगा ही। चिवड़ा बहुत बढ़िया बनाया है। वाह 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 बेटा, लड्डू क्या बढ़िया बनाया आपने। वाह, हमारी बहू खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। उसकी हाथों में जादू है। इन्होंने तारीफ की मतलब बढ़िया होगा। सुनिए शंकर राव, हमारी बहू खाना बनाने और खेती के कामों में बहुत होशियार है। इस साल अनार की फसल बहुत अच्छी हुई है और इसका पूरा श्रेय हमारी बहू को जाता है। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी बहू ने तो जादू ही कर दिया है। और क्या? ऐसा नहीं है चाचा, ये कोई जादू नहीं है। पेड़ों को जो चाहिए था वही दिया है, इसीलिए फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनार का कलर और उसका साइज बढ़िया है। अच्छा माधव राव, मैंने भी अपने खेतों में बहुत ही अच्छी तरह का खाद दिया, पानी दिया, सारी जरूरतें पूरी की, लेकिन हमें जैसे चाहिए थी वैसे फसल नहीं आई। क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा। शंकर राव, मुझे भी यही प्रश्न बहुत सता रहा था। अनार की खेती करके मैं थक चुका था, दिमाग चलना बंद हो गया था। कभी कभी ऐसा लगता था खेती ना ही करूं तो अच्छा। हेलो श्याम भाई। हाँ बोलिए। ये क्या कह रहे हैं? क्या? लेकिन ये तो बहुत कम है। मेरी बात सुनिए श्याम भाई, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी अनार की खेती का खर्चा तो निकलना चाहिए, नहीं आप ही बताइए किसान फिर जिएगा कैसे? क्या क्वालिटी? हाँ मैं मानता हूँ। हेलो हेलो, कट कर दिया। कह रहे हैं कि अनार की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सुरेश, हम ये अनार का बाग ही बेच देते हैं। क्या? अनार की खेती ही करना बंद कर देते हैं। पिताजी, बाग बहुत अच्छे हैं, बस जैसे फल हमें चाहिए वैसे उग नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी, चाय लीजिए। अगर मैं अपने अनार के बागों के बारे में कुछ कहूँ तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल बेटा। बात ये अब है, तुम क्या बताओगी इन्हें? पिछले 25-30 सालों से ये खेती कर रहे हैं। आसपास के 10 गांवों में सबसे अच्छे किसान जाने जाते हैं। देखो, आज तक मैंने दूसरों का ही सुना है, उनकी सलाह मानी है मैंने, और उसी से तो हमें फायदा हुआ है। हाँ लेकिन आज की लड़की आपको क्या सिखाएगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हमारी बहू के पास कृषि की डिग्री है। माँ एक बार सुन तो लो वो क्या कहना चाहती है। अरे तुम्हें क्या सिखाएगी ये? देखो सुनो, जैसे सुरेश ने विज्ञान में डिग्री हासिल कर ली है, वैसे ही हमारी बहू ने कृषि की डिग्री हासिल की है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मुफ्त की सलाह लेने में मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। बहू, हम सब बाग में चलते हैं और वहां देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ थैंक यू पिताजी। उनको जो सिखाना है सिखाओ, मुझे कुछ मत सिखाना बस। लेकिन माँ। बेटा सुरेश, गाड़ी निकालो, हम अभी बाग में चलेंगे। ठीक है।
पिताजी, फूलों की संख्या जैसे चाहिए वैसे नहीं है और फलों का आकार भी छोटा है और रंग भी सही नहीं है, लेकिन पिताजी अपना बाग बहुत अच्छा है। इसकी एक वजह है सूक्ष्म अन्न द्रव्य की कमतरता। लेकिन बेटा, हम हर रोज अच्छी खासी खाद डालते हैं। हाँ, लेकिन आप जो खाद डालते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना भी तो चाहिए ना। फूलों की संख्या, फलों का आकार और इनका रंग देख के मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि इनमें सूक्ष्म अन्न द्रव्य की कमी है। ठीक है, हम सूक्ष्म अन्न द्रव्य देखेंगे, देखते हैं इससे क्या होगा। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने पिछली बार ही तो मिट्टी का परीक्षण करवाया था। पिताजी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने जो मिट्टी का परीक्षण करवाया था वो MTK का था, लेकिन अभी सूक्ष्म अन्य द्रव्य की कमी जानने के लिए हमें पत्तों और डालियों का परीक्षण करवाना चाहिए, है ना? ठीक है, हम वो भी करवा लेते हैं। ठीक है, तुम्हें बताता हूँ शंकर राव, बहु की बात मानते हुए हमने वैज्ञानिक पद्धति से मिट्टी का परीक्षण करवाया। हमने नमूने RCF की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए। बहु का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। क्या कह रहे हैं? परीक्षण में सूक्ष्म अन्य द्रव्य की कमी का पता चला। अच्छा। देखो, फिर हमारी बहू ने कहा, अब हम उसके मामा की खेती को देखने चलते हैं। मामा की खेती? हाँ, उसके मामा बहुत बड़े आधुनिक किसान हैं। प्रगतिशील किसान कहिए ना। हाँ, ऐसा ही समझिए। फिर क्या, गए हम उनके खेतों में। अच्छा, सुंदर लग रहे हैं ना। मौसम्बी का फल तो एक नंबर। हाँ। लग रहा है। ये सब माइक्रोला की देन है। माधवराव, अगर हमें क्वालिटी और फलों की ज्यादा पैदावार चाहिए ना, तो RCF का माइक्रोला इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी 100% गारंटी है। देखिए। वाह वाह वाह। मामा के कहने पर जहाँ RCF खाद मिलती है। हाँ, हाँ। उस दुकान में चले गए। हाँ। हमारी बहू के कहने पर और मामा की दी सलाह पर हमने उस दुकान से माइक्रोला की खाद ली, RCF की माइक्रोला खाद। उसे कितना और कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारी बहू ने हमें सिखाया। और RCF के अधिकारी ने भी हमें जानकारी दी। इस तरह अनार पर, टमाटर पर हमने माइक्रोला के छिड़काव किए। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, माइक्रोला के छिड़काव जैसे ही हमने अनार और टमाटर पर किए, उसका नतीजा 15-30% की बढ़ोतरी हुई और क्वालिटी एक नंबर। अरे वाह। और तो और चाचा, हमें बाजार में दाम भी बहुत अच्छे मिले। हाँ, वाह वाह माधवरा, आपकी बहू की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। हाँ। कुछ भी कह लो माधवरा, हमने खेती भले ही आधुनिक की, लेकिन ये आज की पीढ़ी अत्याधुनिक खेती करके ही रहेंगी। सुनो बहू, ये सूक्ष्म अन्न द्रव्य कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फसलों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे किसान भाइयों को इसका क्या और कैसे फायदा हो सकता है, ये जरा बताओगी? अरे शंकर राव, आज दिवाली है मेरे भाई। है, आज के दिन तो खेती को भूल जाओ। लो, कर लो बात। मैं तो कहता हूँ कि ये सब जानने के लिए दिवाली से अच्छा मौका कभी मिल ही नहीं सकता, क्या माधव राव?
हाँ, बिल्कुल ये नहीं सही कहा। चाचा जी, अगर आपने जानकारी वाला वीडियो देखा तब आपको भी सब कुछ समझ आ जाएगा। वाह वाह, देखो जरा लैपटॉप देंगे। वो लैपटॉप दीजिए। माधवराव, अपने वक्त में ये सब कहा था? सही कह रहे हो। हम इन्हें वो वीडियो दिखाएं क्या? हाँ, यहाँ रख दो ताकि सब देखें। अब देखते हैं, आपको दिख रहा है ना? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भारत सरकार का अत्याधुनिक प्लांट माना जाता है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ट्रॉम्बे खाद फैक्ट्री से सुफला 15-15-15, नेम कोटेड उज्ज्वला यूरिया इस खाद के साथ साथ सुजला 19-19-19 पानी में घुलने वाला खाद, बायोला ये द्रव वाला जैविक खाद, सूक्ष्म अन्न द्रव्य युक्त माइक्रोला ये पानी वाला खाद और जिप्सम, इन खादों का यहाँ निर्माण किया जाता है। और यहाँ RCF की इस फैक्ट्री में नेम कोटेड उज्ज्वला यूरिया का भी उत्पादन होता है। RCF की ये खाद किसान भाइयों के बीच लोकप्रिय है। फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ऐसी हर किसान की ख्वाहिश होती है। इसलिए फसलों की आवश्यकता के अनुसार मुख्य, द्वितीयम और सूक्ष्म अन्न द्रव्य देना बहुत जरूरी है। कई किसान भाई अपनी फसलों को नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम इन जैसे सिर्फ मुख्य अन्न द्रव्य देते हैं, लेकिन इनके साथ साथ फसलों की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक सूक्ष्म अन्न द्रव्य नहीं देते। इसी वजह से किसान भाइयों को जैसा चाहिए वैसा उत्पादन नहीं मिलता। फसलों को जरूरी सूक्ष्म अन्न द्रव्य उपलब्ध करवाने वाला खाद RCF ने किसान भाइयों के लिए खोज निकाला है। इस सूक्ष्म अन्न द्रव्य खाद का नाम है माइक्रोला। माइक्रोला खाद के इस्तेमाल से फसलों में करीब 20-30% की बढ़ोतरी मिलती है। आइए हम जानकारी लेते हैं RCF की सूक्ष्म अन्न द्रव्य खाद माइक्रोला की। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि फसलों के लिए आवश्यक 16 तरह के अन्न द्रव्य होते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये अन्न द्रव्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम ये मुख्य अन्न द्रव्य हैं। चूना, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन जैसे सूक्ष्म अन्न द्रव्य फसलें जमीन से प्राप्त करती हैं। इन अन्न द्रव्य में से मुख्य अन्न द्रव्य सुफला और उज्ज्वला, इन खाद से हम अन्न द्रव्य फसलों को देते हैं और इसका हमें फायदा भी होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा होने के लिए सूक्ष्म अन्न द्रव्य देना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? हम इसकी जानकारी लेते हैं। साल दर साल हम फसलों और फलों के पेड़ों को उगाते हैं। बढ़ोतरी के लिए पेड़ पौधे अन्न द्रव्य का शोषण अपनी जड़ों से करते हैं। इस शोषण से जमीन में अन्न द्रव्य की मात्रा घट जाती है। उसी तरह कुछ जगहों पर जमीन में अन्न द्रव्य की कमी पहले से ही हो सकती है। जमीन का परीक्षण करने पर हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुछ सूक्ष्म अन्न द्रव्य की कमी पाई गई है। इस नक्शे को देखकर आप ये जान जाएंगे। सूक्ष्म अन्न द्रव्य की जरूरत अगर कम मात्रा में होती है तो उसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। दरअसल बात यह है कि किसी एक सूक्ष्म अन्न द्रव्य की वजह से फसलों के उत्पादन में 20-30% कमी हो सकती है। सूक्ष्म अन्न द्रव्य की कमी के कारण किसान भाइयों को अपनी मर्जी के अनुसार उत्पादन नहीं मिल पाता। किसान भाइयों की इस समस्या पर RCF के कृषि अनुसंधान विभाग ने फसलों के लिए जरूरी सूक्ष्म अन्न द्रव्य युक्त माइक्रोला इस द्रव खाद का निर्माण किया है। प्रयोगशाला में कई जांच पड़ताल के बाद ही माइक्रोला खाद का निर्माण किया गया है। इस माइक्रोला द्रव खाद का उत्पादन अत्याधुनिक यंत्र से किया जाता है। आइए जानते हैं माइक्रोला खाद से किन प्रकार के अन्न द्रव्य पेड़ों को मिलते हैं। इस सूक्ष्म अन्न द्रव्य माइक्रोला में जस्ता, तांबा, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम और मैंगनीज का
सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। माइक्रोला के इस अन्य द्रव्य की वजह से पेड़ों को इसका क्या फायदा होता है वो देखते हैं। माइक्रोला में जस्ता होने की वजह से पेड़ों की संजीवन शक्ति उत्तेजित हो जाती है, जो पेड़ों के निर्माण में मदद करती है और इसी वजह से पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा फूल आ पाते हैं। माइक्रोला में लोहा होने की वजह से हरे द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, कार्बन ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है और अन्न निर्माण में बढ़ोतरी होती है। माइक्रोला में तांबा होने की वजह से पत्तों में हरे द्रव्य के बनने में मदद मिलती है, इसी तरह फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। माइक्रोला में बोरॉन होने से फूलों और फलों के सड़ने का प्रमाण कम हो जाता है। इसकी वजह से पेड़ों पर ज्यादा से ज्यादा फल लगते हैं। माइक्रोला में मॉलिब्डेनम होने की वजह से नाइट्रोजन को स्थिर रखने वाले जीवाणु को मदद मिलती है, इस कारण पेड़ की डालियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। माइक्रोला में मैंगनीज की उपस्थिति के कारण हरा द्रव्य बनता है। जैव रसायन क्रिया में मैंगनीज सहभागी होता है। माइक्रोला ये एक द्रव्य खाद है। इसका प्रयोग आसानी से फव्वारे द्वारा या ठिबक सिंचन तकनीक से किया जा सकता है। माइक्रोला का इस्तेमाल चावल, गेहूं, ज्वार, रुई, अंगूर, हरी सब्जियों और फलों के लिए होता है। माइक्रोला का छिड़काव करने से फसलें निरोगी रहती हैं और जल्दी बढ़ती हैं। फसलों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और फसलें दानेदार होती हैं। पत्ते, फूल, फलों का आकार, उनका वजन और फलों में स्वाद बढ़ता है। फसलों में कई गुना बढ़ोतरी होती है। माइक्रोला को कैसे इस्तेमाल करते हैं? किसी भी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन के लिए 1 लीटर माइक्रोला 400 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। यह इस्तेमाल में आसान है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और RCF जैसी नामचीन और प्रसिद्ध अनुभवी खाद कंपनी में बनाया गया माइक्रोला किसान भाइयों के लिए वरदान है। टमाटर की खेती लगाने के बाद 30 दिनों में माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव करें। खेती करने के 45 दिनों बाद फिर से माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा छिड़काव करें। प्याज और लहसुन की फसल के लिए बुआई के बाद 20 दिन में माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अरहर की खेती के लिए बीज बोने के बाद 25 दिनों बाद माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फिर दाने फूलने के पहले माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा छिड़काव करें। गन्ने की खेती में बीज बोने के 30 दिनों बाद माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव करें। खेती करने के 60 दिनों बाद फिर से माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा छिड़काव करें। वैसे ही खेती करने के 90 दिनों बाद फिर से माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर तीसरा छिड़काव करें। रुई की खेती में फूलों के फूलने से पहले माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव करें। फिर फूलों के खिलने पर फिर से माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा छिड़काव करें। केलों की खेती के लिए खेती करने के 4 से 4.5 महीनों में माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव करें। खेती करने के 7 से 8 महीनों बाद फिर से माइक्रोला 25 मिलीलीटर प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर दूसरा छिड़काव करें। संतरा और मौसम्बी की खेती के लिए पहली बार पानी देने के बाद 3 हफ्तों बाद प्रति एकड़ 25 मिलीलीटर माइक्रोला 10 लीटर पानी में मिलाकर पहला छिड़काव करें और फूल खिलने से पहले दूसरा छिड़काव करें। अनार की खेती के लिए नए फल आने के 5 हफ्तों बाद पहला छिड़काव, फिर 1 हफ्ते में दूसरा छिड़काव करें। प्रति एकड़ 25 मिलीलीटर माइक्रोला 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पौधों में फूलों के आने पर माइक्रोला 25 मिलीलीटर
प्रति एकड़ 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। माइक्रोला खाद की मात्रा जानने के लिए आरसीएफ के वैज्ञानिक, बिक्री अधिकारी और खाद विक्रेताओं से संपर्क करें। वाह 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 वाह, एकदम बढ़िया, क्या बात है, वाह, ये जानकारी तो बहुत ही फायदेमंद है। आरसीएफ की जो अलग अलग सेवाएं हैं, उसमें से ये जानकारी देने वाली सेवा तो किसान भाइयों के लिए लक्ष्मी का रूप है। शंकर राव, मैंने तो अब ठान लिया है भाई, सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाऊंगा। अच्छा। और अगर जरूरत पड़ी ना तो आरसीएफ का माइक्रोला खाद इस्तेमाल करूंगा। अब समझ आया ना सूक्ष्म अन्य द्रव्य का महत्व, इसलिए आरसीएफ की माइक्रोला खाद ही इस्तेमाल करो और रिकॉर्ड ब्रेकिंग उत्पादन पाओ। मैं एक बात कहूँ क्या? हाँ। कीमत कम फिर भी उत्पन्न होता है भारी। क्या? कीमत कम फिर भी उत्पन्न होता है भारी, आरसीएफ का माइक्रोला खाद है बहुत गुणकारी। मेरा तो मानना है ये जानकारी हमें अपने गांव के सारे किसान भाइयों को बतानी चाहिए। बताएंगे ना, जरूर बताएंगे, पर मेरी आप सबसे एक विनती है। हाँ, कहिए। बात ये है कि इस जानकारी के साथ साथ माइक्रोला खाद का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका कैसे छिड़काव किया जाए, कब इस्तेमाल किया जाए, किन फसलों पर इस्तेमाल किया जाए, ये सब जानकारी देने के लिए अपने बहू का एक लेक्चर रखना होगा। चाचा जी, क्यों सुमा जी, आपकी कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे क्या आपत्ति होगी? नहीं, सोचा पहले आपसे पूछ लिया जाए। मेरी बहू पर मुझे गर्व है, लक्ष्मी के रूप में आई है हमारे घर में। ये तो इनाम की हकदार है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर आपने भी अपनी फसलों को आरसीएफ का माइक्रोला खाद दिया तो आपके घर भी लक्ष्मी आएगी। कीमत कम फिर भी उत्पन्न होता है भारी, आरसीएफ का माइक्रोला खाद है बहुत गुणकारी।